आग फोड़ के ही मानना काका पे ओए बनो नो रोक तो यहां पहले ना ओ छोड़ दे चल आगे ओ भाई सो हे गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग और आप देख रहे हो सीएचओपी के व्लॉग। ये इतना बड़ा फ्रॉड है, मैंने श्वेतो का अब तक एक बार भी नहीं मारा और झूठ बोल रहा है। गाइस सबसे बढ़िया बात तो ये है, ये देख लो भाई अपनी चंचल मुन्नी ठुन्नी ठुन्नी थोड़ी सी क्या कह रहा हनुमान कहा है हनुमान जी ओ है भूत कब मारा ये भाई छोटक सी अपने आप ही कमरे में आके बैठ जावे। ओए होए 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 गाइस नजर ना लगे किसी को इसकी। व्यू ने पीकू को और मजा अंदर बंद कर दिया, अब बंद नहीं हुए बटन। गाइस व्यू की पलक टूटी हुई है, भगवान से मांगते हैं कुछ। मांग ले भगवान से। कौन है ये? बाहर घूमने के लिए व्यू तो बिल्कुल रेडी हो गया। जब मैं छोटा था तब मैं भी पहना करूं था ऐसे, बट भाई मैं बड़ा हो गया फिर मेरे को बढ़िया नहीं लगे। अब मैं अपने जो शौक है ना छोटे छोटे वाले वो इसके ऊपर पूरे कर लूंगा। भाई लूसी को उधर ही शिफ्ट कर रखा, लूसी बदतमीजी करे भाग जा कर छोड़ गए। भाई अपने छोटे से बच्चे को छोड़ के भाग जा, जब वो छोटा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब भाग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लाओ जल्दी दो। ओ भाई ये सरप्राइज है, पापा कल जिसने एक्सीडेंट करा था पापा ने उसका सिर फोड़ दिया, बाद में जाकर घर उनके। हेलो क्या नाम है तुम्हारा? अर्णव। मम्मा का? किसके मम्मा का? गाय जिसने आज तक पीकू से तगड़ा रोट व्हीलर नहीं देखा, बट भाई मैंने देखा सपने में। आज देखा मगर ठाड़ा कुत्ता चल झूठा। ओए फुल दोपहर का टाइम हो रहा है और दोपहर के टाइम सिर्फ गली में मिलेंगे हमारे जैसे इनके जैसे और कोई नहीं मिलेगा, बस लालू मिलेगा। बल्कि दोपहर में गली में कोई मिलो या ना मिलो भाई लालू तो मिलेगा। गाय जी भाई आए हुए थे मिलने के लिए, कुछ कहना चाहो दो शब्द है थारे दो कुछ कह दो। नहीं भाई 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 स्कूल में मैंने एक बात तो देख ली भाई, वीसु होशियार है, ये है बैक वेंचर। अगर तुम्हारे घर में भी ऐसे ऐसे दो तीन चार पप्पी हो जावे ना और चार पांच पप्पी तो हो गए तो भाई तुम्हारा तो जीना आराम ही हो जाएगा। ये देख लो भाई यहाँ सामने कर दिया इन्होंने। लूसी ने तो भाई दूध देना बंद कर दिया, अब इसे भाई डायरेक्टली दूध पिला रही। चलो शुक्र है भगवान का ये दूध पी रही, बट इन तीनों को देख लो ये तीनों यहाँ आके खड़ी होगी कि हमें भी थोड़ा बहुत दूध मिल जावे। अबे गाय जब की बार खेत बुने वाला है जो हमने ठेके पे दे रखी थोड़ी सी हमने आप बोनी अब की बार, क्योंकि मैं हूँ फ्री और मेरे घर वालों ने मुझे कह दिया कि भाई खेती करनी पड़ेगी। डेढ़ बीघा एक बोल रहे, डेढ़ बीघा बोल रहे जुआर। अच्छा शुरुआती तौर पर मैं जो थोड़ा सा धकेला जा रहा ताकि मैं खेती की तरफ को धकेलूं, क्योंकि भाई अगर तुम ठाली हो घर में कुछ काम धंधा नहीं है तो तुम्हें खेती करनी पड़ेगी, तारे घर वाले तो मैं फेंक देंगे। बात सही है, बीज ऐसा बोना है डेढ़ बीघे में, ऐसा बोना ऐसा बोना किसी के ही ना हो लावे रहे लिया कहां तो जावे। गाइस मेरा कंपटीशन है पापा की, क्या एक भी मैं कहीं कौंटल लिखट जा नॉर्मल, मैं बोर्ड लिखट जा 60 और मुड्डा लिखट जा 80 लो। पापा तो कह रहे भाई 60 लिखट जाऊंगा, मतलब कि एक भी मैं 60 कुंटल लिखट जाऊंगा, मैं कह रहा मैं 75 काट के दिखाऊंगा। अच्छा हमको सिखा रिया है? काट दिए तो काट दिए फिर तो खबर ठीक है, काट दिए तेरे काम आओगे, मुझे क्या करना उसका, वो सारा पैसा मेरा। हां सारा पैसा तेरा, पैसा ही पैसा हो गया। गाइस शाम का टाइम हो गया, आज मौका मिलने वाला है बर्फी को भी और लूसी को भी बाहर जाने का, क्योंकि आज मैं लगाने वाला हूँ इनके नोटिक्स पाउडर। पापा को देखते हैं लेजर लाइट से क्या फर्क पड़े, देखते हैं पापा की आंख फूट जाएगी क्या। पापा पापा भी देखो तो एक बार मेरी तरफ। फोड़ के मानना काका बे। ए भाई नुन्नू ही सोच रहा है नहीं। अरे पापा सुन आ रहा है, पापा सुन सुन बर्फी भागी करके सामने वालों के। गाइस बर्फी तो चली गई ऊपर, चलो कोई बात नहीं, उसका पाउडर लग रहा था सारे पीस भी चले जाएंगे तू समझा। हाँ गाइस अभी अल्फा भी आ गया, अल्फा के शरीर पे लगाता हूँ पहले पाउडर। अब रुक जा अल्फा, चलो चलो पहले पीकू तो मिल पाएगा, पीकू तो मिल रहा है। गाइस अभी अल्फा का भी पाउडर लगा दिया और ये देख लो भाई पागलों की तरह पावर लगा रहा। अरे वो पागल भाई रोगी तो पागल है, यू इससे भी बड़ा पागल लग गया मुझे तो। अब ये बिल्कुल सही है और इसकी एक्सरसाइज वगैरह करवानी शुरू कर दूं, गैल ढोंग भर लगा, कभी पांव टूट जाएगा इसका, कभी कुछ हो जाएगा इसके। जैसे रोगी पावर लगा हुआ है ना पागलों की तरह, ऐसा अल्फा नहीं लगाता, अल्फा कहते रुक भी जाओगा आराम से भी चल लगा। अल्फा का पाउडर लगा के लाया, उम्मीद भी नहीं थी कि यू पानी में कूद जाओगा, ये लो भाई यू भी कूद गया पानी में। जबकि यार यू पहले जब आया इतना डरपोक ही था पानी से, बट भाई अपना इसका सारे डर खुले लग रहे धीरे धीरे, मुझे तो ऐसा लग रहा भाई इसे संभालना बहुत मुश्किल होगा। और जब आदमी के ऊपर कोई कुत्ता अटैक करने लगे ना तो भाई वो थोड़ा सा सेफ रखना पड़ा है, थोड़ी बहुत भी हलचल वलचल गड़बड़ वड़बड़ करता है ना पीकू तो समझा उस बात को, यू समझता नहीं इस बात को, यू तो बस मौका देखा है पीछे खड़ा होकर एकदम भाड़ तुझे पकड़ लगा मामले को, इसलिए इस पे ज्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है। भाई अल्फा को देखो भाई कैसे ताकत लगा रहा है, ओ भाई साहब पागल हो गया, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अरे भाई
भाई साहब इसका लुक भी देख लो कितना डेंजर लग रहा है यार। भाई ये खुला ही छोड़ दिया क्योंकि ये ना बनते ही इतनी ज्यादा पावर लगानी शुरू कर दिया, इसे तो ये लगा लगा कि जिसमें बंद गया मजा आजाद कर दो। बट हाँ कोई भी चीज अगर खतरा वतरा दिखा ना तो तुरंत अफरा तफरी करनी शुरू करता है। गाइस सामने ये पापा बैठा ना बिल्कुल पापा भाई एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ गड़बड़ हो रही है। एल्फो को देख लो भाई अभी कैसे अटेंशन पोजीशन में है और भाई 110% पापा के ऊपर अटैक था आज। चल दिया फिर अभी से बांधना ही पड़ेगा भाई क्योंकि पापा के ऊपर अटैक हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। और गाइस मेरे को ऐसा लग रहा भाई किसी ने कुछ ना कुछ यहाँ दाब रखा इस वजह से यहाँ जितने भी कुत्ते हैं ना सारे कुत्ते आके खोदना शुरू कर दिया है। ओए 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 एल्फो तो कूद गया भाई पीकू रह गया ट्रोली में। ओ भाई चल दिया मैं तो पीकू भाई पीकू भाई ओए पीकू पीकू भाई चला गया भाई पीकू तो यार अरे 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 चला गया यार पीकू तो। ओ भाई अरे भाई साहब कूद गया और यार पैर में दिक्कत ना हो जाए उसकी होगी नहीं हुई ना इसमें वजन ज्यादा है ना तो भाई ऊपर से कूदना इसके लिए सही नहीं है। पिटबुल तो कूद जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई ये इसमें ज्यादा वजन है ना तो इस वजह से यू कहीं भी कूदगा ज्यादा ऊंचे थे पता। पहले अल्फा जितना नॉर्मल था ना अब उतना नॉर्मल नहीं है। ये देख लो जानबूझ के जा रहा पिल्ले के पास आया भाई ये देख लो जानबूझ के अपने आप ही इसके दिमाग में भाई अब जा कुछ और लगा इसके दिमाग हो लिया खराब हो गया। और ये चीज़ ना अपने आप इसके अंदर बढ़ती जा रही थी क्योंकि भाई मेरे को पता ही था बचपन से ही पता था कि इसकी ब्लड लाइन जो है वो पागलों वाली है बिल्कुल इसके माँ बाप भी पागल है। भाई जब आया छत पे रोकी के पाउडर लगाने के लिए रोकी को बाहर नहीं ले जाना ना अगर बाहर ले गए तो तुम्हें पता भाई नहर में कूदेगा 100% तो यहीं पे से पाउडर लगा के इसे यहीं पे रखूंगा और आज इसकी बहुत टाइम के बाद लगवाने वाला हूँ ग्रिप। तो गाइस ग्रिप का अपना पूरा सेटअप रेडी है अभी व्यू भी ऊपर आ गया लेकिन व्यू के हाथ में है कचरी और रोकी सोच रहा है इस कचरी को हथिया ना। अब ओए रुक जा भाई रोकी अब रोकी यार खा लेगा इसकी कचरी खोस के। व्यू छोटा है ना इसलिए भाई व्यू के ऊपर कोई भी हमला करता है कोई भी इसके हाथ में सामान खोस के खा जा। उज्ज्वल का पूरा गैंग खेल रहा आईपीएल जब आईपीएल चले हुए हैं तुम्हारी टीम कौन सी है मेरी टीम तो भाई फेवरेट आरसीबी है बट बेचारी हार जा। और गाइस ऐसी बात नहीं है भाई रोज सट्टा लगा अपने एरिया में रोज सट्टा लगा भाई रोज सट्टा कैसा लगा है यार शरद सट्टा ही बोलता है यार उसे तो ये आ गया भाई ठंडा ये ठंडा आरसीबी के ऊपर ही लगाया था हार के अपना भाई आईपीएल में पूरे मजा आ जाएंगे रोज सट्टा लगा करेगा रोज पैसा बनने का सॉरी पैसा तो बनने का नहीं दावा चल करेगी रोज कितनी पावर क्यों लगा रहा होगा और इतना भौंक क्यों रहा होगा तुम्हें बता दूं क्यों क्योंकि भाई इधर की साइड में ग्रिप वाला पूरा सेटअप कर दिया इसका प्रॉपर गलत बांध दिया यार दंदू में बांध नहीं नहीं दंदू में बांध प्रॉपर सेटअप जो कर रहा ना उसे कमरे में बंद करना पड़ेगा क्योंकि रोकी ना पागल हो रहा था भौंक भौंक का इतनी पावर लगा रहा था छुट जाता तो क्या पता भाई उसके ऊपर अटैक कर देता तो उसे पहले कमरे में शिफ्ट कर दिया ग्रिप का प्रॉपर सेटअप कर दिया और इसे देख लो पागल हो रहा छोड़ दे ओ भाई साहब आज इतने दिनों में ग्रिप लगाई ना तो ये देख लो कितनी पावर लगा रहा अरे ओ भाई साहब पूरी हिला दी अब फास्टनर भी तोड़ा गई तो भाई अरे इसे टाइट करो यार सुनो इसकी ग्रिप हटवाओ यार यू पार्ट कर लिया होगा ऐसे ही रोगी की ग्रिप छुटवाना भी कोई नॉर्मल काम नहीं है इसके पार पकड़ने पड़ेंगे रोगी छोड़ दे ग्रिप छोड़ दे भाई वो फास्टनर पड़ जाएगा ऊपर तक रोगी छोड़ दे प्लीज पकड़ ले बस आए अब रुक जा रोकी तेरे ही लगवाएंगे ग्रिप वाला सेटअप हमने कमरे में भेज दिया बंद कर ले बंद किवाड़ बंद हो गया अब क्या कर लगा कर क्या लेगा अब इसे करते हैं भाई पहले पूरा पकड़ टाइट हो गया गाइज मोए हो गया यार ये तो फासनर ही टूट गया यार हमारा ये इतना टाइट कर दिया ये फासनर यहाँ से टूट के आ गया तो नया फासनर डालना पड़ेगा इसके अंदर छिद्र रहेगा गाइस फासनर को निकालने की कोशिश करते हैं वरना ग्रिप तो लगवा नहीं सकते आज